प्यारे दोस्तों और साथियों बकरा ईद को लेकर के योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला आया है जो कि आप लोग जान लें अगर आप बकरा ईद के मौके पर इस जानवर की कुर्बानी करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ सकता है जैसा कि आप लोगों को बता दें कि आने वाले एक अगस्त को बकरा ईद मनाई जाने वाली है मुल्क हिंदुस्तान के अलावा गैर ममालिक में भी लेकिन अगर आप बकर के मौके पर इस जानवर की कुर्बानी करते हैं इस जानवर को जिबा करते हैं तो आपको जेल में जाना पड़ सकता है इसलिए आप लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है इस तरह के जानवर की कुर्बानी ना करें जो कि आपको जेल का रास्ता दिखा सकती है और साथ ही साथ योगी सरकार ने इन सभी चीजों पर भी रोक लगा दी गई है और अपनी एक गाइडलाइंस जारी कर दी गई है क्या गाइडलाइंस है आइए आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें आप लोगों को बता दें कि योगी सरकार हमेशा से ही अपना एक नया एक फैसला सुनाती रही है जो कि कभी मुसलमानों के हक में आता है कभी हिंदुओं के हक में आता है लेकिन इस वक्त जो है बकरा ईद को लेकर के योगी सरकार ने अपना एक बहुत बड़ा फैसला दिया है जिसमें कि गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कहा गया है कि अगर आप इस जानवर को काटते हैं तो आपको जेल हो सकती है साथ ही साथ आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है योगी सरकार ने गाइडलाइन में सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त सक्ष कार्रवाई करने को कहा है पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ईद की कुर्बानी के दौरान गोहत्या ना की जाए और छोटी से छोटी घटना को भी गंभीरता से लिया जाए यूपी के डीजीपी द्वारा जारी किए गए पत्र में सांप्रदायिक भावनाओं का ध्यान रखने को कहा गया है इस पत्र में सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ईद की कुर्बानी के दौरान गोहत्या ना की जाए यानी कि अगर बात की जाए तो गाय की कुर्बानी ना की जाए इस पर सख्त से सख्त रवैया इख्तियार किया है और यूपी गवर्नमेंट ने इस चीज पर खास तौर से तवज्जो दी है इस मौके पर सभी नियमों का पालन हो सके और एक स्थान पर ज्यादा लोग जमा ना हो इसके लिए ड्रोन का सहारा भी लिया जाएगा यूपी पुलिस के कई इलाकों पर ड्रोन से पहनी नजर रखी जाएगी अगर आप इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो आप भी इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाने वाली है तो आप लोग इस चीज़ का खास तौर से ख्याल रखें वहीं जो लोग नियम को तोड़ते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई होगी इस बार बकरा ईद पर गौ हत्या एक अगस्त इस बार आप लोगों को बता दें कि बकरा ईद पर बकर अगस्त मनाई जाएगी मगर कोविड 19 की वजह से लोगों को यह त्यौहार घर के अंदर ही मनाने को कहा गया है सरकार की तरफ से इस मस्जिद इस दौरान मस्जिदों में जमा होने पर भी रोक लगाई गई है यानी कि कोई भी शख्स मस्जिद में जमा ना हो जाए तो आप वहां पर नमाज पढ़ करके आ सकते हैं लेकिन वहां पर जमा होने की इजाज़त नहीं दी गई है आपको मालूम हो कि कोरोना के वजह से मंदिरों और मस्जिदों को बंद कर दिया गया है अभी इन्हें खोल दिया गया है मगर इन स्थानों पर भीड़ जमा होने पर अभी भी प्रतिबंध है सावन के पहले सोमवार के दौरान कई नियमों में लोगों ने अनदेखी की थी और मंदिर में जाकर पूजा भी की थी जिसके बाद इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी और कई स्थानों पर भीड़ के चलते मंदिरों तक को बंद करना पड़ा था वहीं बकरीद के दौरान लोग यह गलती बिल्कुल भी ना करें इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सतर्क है यानी कि आप कोई भी इस तरह का जानवर ना काटें जिससे कि आप लोगों को जेल की हवा खानी पड़े या आप लोगों को जेल जाना पड़े इसके लिए यूपी गवर्नमेंट की बात की जाए तो यूपी गवर्नमेंट ने अपना अच्छा खासा रवैया अख्तियार किया है और पुलिस प्रशासन को इस और निर्देश दिए हैं उन लोगों से कहा है कि कोई भी इस तरह का गैर कानूनी काम ना हो वरना लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा इसलिए आप बकर के मौके पर बकरे की कुर्बानी करें और उसको आड़ से ही करें ऐसा ना करें आप लोग के घर में करें या इधर उधर करें आप लोगों को चाहिए आप इस को घर में एक से करें कहीं भी मोहल्ले या चौक चौराहे में ना आप लोग भी इसके शिकार हो सकते हैं इस चीज का खास तौर से ख्याल रखें यूपी गवर्नमेंट की यह नई पॉलिसी है नई गाइडलाइंस जारी की गई है